लिए इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए गए इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यूं तो भूत प्रेत और सुपर नेचुरल ताकतों को मानना या ना मानना किसी इंसान के विश्वास का विषय है। जहाँ एक तरफ कुछ लोग भूत प्रेत और आत्माओं के औचित्य को मानते हैं और हमेशा ही ऐसी चीजों से डर कर रहते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें कोरी बकवास कहते हैं और सुपरनेचुरल जैसी किसी भी चीज को सिरे से नकारते हैं। हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में है जो एक समय पर भूत प्रेत और आत्माओं जैसी किसी भी चीज पर हरगिज विश्वास नहीं करता था, लेकिन 1998 की एक सर्द रात ने उस व्यक्ति की सोच को पूरी तरह बदल डाला और समय के ही साथ उसे ये भी मानना पड़ा कि ऐसी अनजान शक्तियां होती हैं और ये विचित्र शक्तियां अपना वजूद साबित करने के लिए किसी के विश्वास की मोहताज नहीं होती। ये सच्ची कहानी ऐसी ही एक व्यक्ति की है जो भूत प्रेत और पैरानॉर्मल शक्तियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। 36 वर्षीय इस युवक का नाम रघुवेंद्र था, जो कि भोपाल के राजा भोग एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ के तौर पर नौकरी करता था। स्वभाव से हसमुख और तर्कों पर विश्वास करने वाले रघुवेंद्र ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि महज एक रात में उसके ये तर्कों पर से विश्वास हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। रघुवेंद्र के जीवन को महज एक सर्द और डरावनी रात ने इस तरह बदल दिया कि अब वो इन शक्तियों पर विश्वास भी करता है और उनके अंदेशों का पालन भी करता है। दिसंबर की उस सर्द रात में रघुवेंद्र रोज की ही तरह अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने घर के लिए निकला, लेकिन एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर उसकी बाइक खराब हो गई और रघुवेंद्र ने अपनी बाइक को एक सुरक्षित जगह पर पार्क करके आगे का सफर बस या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पूरा करने का निर्णय किया। उस अंधेरी काली रात में रघुवेंद्र कुछ दूर चलकर एक बस स्टैंड पर पहुंचा, जहां एक साधु और रघुवेंद्र के सिवा और कोई नहीं था। अपने हसमुख और बातूनी स्वभाव के चलते रघुवेंद्र की उस साधु से बातचीत होने लगी और बातों का सिलसिला भूत प्रेत और आत्माओं तक जा पहुंचा। रघुवेंद्र इन बातों के शुरू होते ही अपना दृष्टिकोण उस साधु को समझाने लगा और उस साधु के साथ तर्क वितर्क करने लगा। साधु रघुवेंद्र को लगातार इस बात के लिए आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था कि भूत प्रेत और दुष्ट आत्माएं होती हैं और यदि उनके चंगुल में कोई कभी फंस जाए तो उस व्यक्ति की जान पर बनाती है, लेकिन रघुवेंद्र नहीं माना और बातों ही बातों में उसने कुछ ऐसा कह दिया जो साधु को बुरा लग गया और तब साधु ने अपनी सच्चाई बताते हुए बताया कि वो कोई मामूली साधु नहीं है बल्कि एक अघोरी साधु है और अपनी साधना से बहुत सी सिद्धियों को हासिल कर चुका है। उसने दावा किया कि वो अपनी सिद्धियों से आत्माओं से बात कर सकता है। यह सुनकर रघुवेंद्र उसका मजाक उड़ाने लगा और उसकी सभी बातों को सिरे से नकारने लगा। तब उस साधु ने रघुवेंद्र से कहा कि अगर वो उसके साथ पास ही के शमशान घाट में चले तो वह अपने दावों को साबित कर देगा। रघुवेंद्र ने आवेश में आकर उस अघोरी साधु के साथ चलने के लिए हामी भर दी। वह नहीं जानता था कि उसका ये फैसला उसकी जिंदगी को पूरी तरह हिलाकर रख देने वाला था और उसकी बाकी की जिंदगी खौफ सदा बीतने वाली थी। उन दोनों ने शमशान घाट जाने का फैसला किया, जो कि रघुवेंद्र के घर से कुछ ही दूरी पर था। वहां पहुंचकर उस अघोरी साधु ने अपनी क्रिया को करना शुरू किया। उस साधु ने जमीन पर एक लकड़ी की छड़ी गाड़ी और उसमें एक डोरी बांधी और उस डोरी का दूसरा सिरा रघुवेंद्र को थमाकर उसे दूर बैठने के लिए कहा। उस अघोरी ने रघुवेंद्र को सख्त हिदायत दी कि अब आगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसे उस डोरी को नहीं छोड़ना है। अभी तक रघुवेंद्र थोड़ा डरा था, लेकिन अभी भी उसे यह आशंका थी कि ये सब ढोंग है और वो साधु खुद को साबित नहीं कर पाएगा। उधर उस साधु ने उस डोरी के नीचे एक सीधी कतार में कुछ पताशे और चीनी रख दी और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते वक्त उस अघोरी के हाव भाव और मुद्राओं को देखकर रघुवेंद्र अब थोड़ा डरने लगा, लेकिन वो तय कर चुका था कि अब चाहे जो कुछ भी हो वो उस डोरी को नहीं छोड़ेगा। कुछ ही देर में साधु ने रघुवेंद्र को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा और फिर मंत्र पूरा होते ही आंखें खोलने को कहा। जब रघुवेंद्र ने अपनी आंखें खोली तो उसने जो देखा वो शरीर के रोम रोम में सीरन पैदा करने वाला नजारा था। डोरी के नीचे रखे हर खाने के सामने एक एक आत्मा बैठी थी
जिनके आर पार देखा जा सकता था। यह देखकर रघुवेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गई। जो वह देख रहा था उस पर यकीन करना उसके लिए बेहद मुश्किल था। तभी साधु ने कहा कि ये उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें इस शमशान में जलाया गया था, और रघुवेंद्र को फिर से एक बार कड़ी चेतावनी दी कि जब तक ये आत्माएं उनके आगे रखा खाना खत्म ना कर ले तब तक डोरी को नहीं छोड़ना। लेकिन अभी तक रघुवेंद्र डर के मारे थर थर काँप रहा था, और घबराहट को काबू ना कर पाने के चलते उसके हाथों से वो डोरी छूट गई। हाथों से डोरी छूटते ही रघुवेंद्र तेजी से शमशान से बाहर की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी मृत लोगों को अपने सामने देखा है, जिनमें से कुछ की मृत्यु को वह अपनी आंखों से देख चुका था। जब वह अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसे बार बार ऐसा आभास हो रहा था कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। कभी उसे भीड़ के शोर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी तो कभी ऐसा लग रहा था कि मानो उसको पीछे से कोई आवाज़ दे रहा हो। जैसे तैसे उस रात रघुवेंद्र अपने घर पहुंचा, और घर जाते ही उसने ये पूरा वाक्या अपने माता पिता को सुनाया। वो बेहद घबराया हुआ था। उसके माता पिता को भी रघुवेंद्र की ये दशा देखकर उसकी बातों से सहमति जाहिर करनी पड़ी, और उन्होंने रघुवेंद्र को सब ठीक हो जाने का आश्वासन देकर सुला दिया। लेकिन अगली सुबह का दृश्य और भी ज़्यादा भयानक था। रघुवेंद्र रात को सोया तो अपने घर में था, लेकिन अगली सुबह रघुवेंद्र के माता पिता को वो उसी शमशान घाट में सोता हुआ मिला, और उसके हाथ में अभी भी वो डोरी मौजूद थी। जब उसे उठाकर उससे पूछताछ करने की कोशिश की गई तो सब लोगों ने पाया कि रघुवेंद्र बेहद बहकी बहकी बातें कर रहा था, और डॉक्टरी जांच में भी ये पता चला कि रघुवेंद्र अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। उसके माता पिता आज भी उस खौफनाक रात को याद करके सहम जाते हैं। इस पूरी घटना में जो बात एक रहस्य बनकर रह गई कि आखिर सोने के बाद रघुवेंद्र के साथ क्या हुआ, आखिर वो वापस शमशान कैसे पहुंचा, और आखिर कौन था वो मायावी अघोरी साधु। रघुवेंद्र की यह डरावनी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? भूत प्रेत जैसी चीज़ों के बारे में आप लोगों की राय आप हमें कमेंट के माध्यम से हमारे साथ शेयर करें, और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित हुआ है तो आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। भूत प्रेत और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। एक बार फिर मिलेंगे एक नई मिस्ट्री एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।